हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बीपी की दवा बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको R85 के बारे में बताऊँगा। R85 बीपी की दवा है। बीपी के पेशेंट जिनको बीपी हाई होता है, जैसे 160-170 बाय 110 या फिर 140 से लेकर आप 1-200 तक ऊपर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 से लेकर 120 तक डायस्टोलिक जो बीपी बढ़ जाता है, जैसे 150 बाय 110, 160 बाय 110, 170 बाय 110, 170 बाय 120, तो इस सब कंडीशन को हाई बीपी कहते हैं। अगर आपका बीपी 140 बाय 90 से ऊपर जा रहा है तो आप तुरंत ही इस R85 को लेंगे दवा सॉरी तो R85 को आप दवा लेंगे दोस्तों, तो इससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा और आप 2 महीने में ये दवा बंद भी कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो बीपी की पेशेंट्स रहते हैं उनको बीपी की दवा चालू हो जाती है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप जानते होंगे कि जैसे आपने दवा बीपी की लेना चालू की, जैसे टेलवास वगैरह, तो टेलवास लेना अगर आपने एक दिन में सुबह सुबह चालू की तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर कभी बोलता है कि आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस मेडिसिन को आप बीपी चेक करते रहिए। अगर आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है तो इसको बंद करके देखिए। अगर आपका नॉर्मल ही रहता है बीपी तो फिर इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली 2-3 दिन में एक बार बीपी चेक करते रहिए। बीपी की मशीन ले लीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस तो चलिए फिर आपको R85 के बारे में मैं कुछ और डिटेल्स देता हूँ कि इसमें क्या क्या मेडिसिन डली हुई हैं और ये कैसे आपको रिलीफ देगी। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, कुछ देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये इसके अंदर एक लगभग 20 ml का आपको सीसी मिलेगी, जिसमें 25 ml शायद मेडिसिन डली रहती है। 30 ml मेडिसिन है, 30 ml मेडिसिन है। इसको 20 ड्रॉप्स खाना खाने के पहले 1 घंटे पहले दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है और इससे 100% आपका बीपी कम हो जाएगा। अगर शुरुआती है तो इसको लेने से आप 1-1.5 महीने में ये दवा भी बंद कर सकते हैं और आपका बीपी कंट्रोल भी रहेगा बस। और इसके अब मैं आपको कंटेंट्स बताता हूँ कि कंटेंट्स क्या है। तो इसमें जैसे बीपी की दवा में सबसे पहले एलियम सेटाइवा तो मिला ही रहता है, कालीफॉस मिला ही रहता है और रॉल्फिया भी मिला है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप R85 नहीं ले पा रहे हैं कहीं से तो आप रॉयल्फिया सरपेंटाइना, इसको लिख लीजिए, रॉयल्फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर नाम की एक होम्योपैथिक दवा आती है, उसको आप 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार अगर आप लेंगे तो 100% बीपी आपका कम हो जाएगा। ये सबसे अच्छी नॉन एलोपैथिक बीपी की दवा है, रॉयल फिया सरपेंटाइना। आप इसको लीजिए या फिर R85 लीजिए, बीपी आपका कम हो जाएगा और बीपी कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ आप क्रेटेगस भी ले सकते हैं, क्रेटेगस ऑक्सीडेंटलिस लिख लीजिए आप, क्रेटेगस ऑक्सीडेंटलिस क्यू, इसको भी आप ले सकते हैं। इसको भी 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेना है। इसका फंक्शन ये है कि आपके हार्ट मसल को स्ट्रेंथिंग करता है, हार्ट मसल को मजबूत करता है और हार्ट जिसका बीट ज़्यादा करता है, जैसे पल्स रेट किसी की 100 के ऊपर चली जाती है, टैकीकार्डिया, तो टैकीकार्डिया में ये बहुत अच्छा फंक्शन करता है, ठीक है। और आपको मैंने इसके बारे में बताया, इसकी अब मैं प्राइसिंग बता दूं आपको। ये आप जैसे देख पा रहे हैं 230 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग है और एक बॉयल आपका कम से कम 15-20 डेज चलेगा, तो एटलीस्ट आपका 500 रुपीज़ समथिंग मान के चलिए महीने में एवरेज, ऑन एन एवरेज खर्च होगा, जो कि आप 2 महीने में बीपी से आप क्योर भी हो जाएंगे। साथ में आप रॉयल फिया सरपेंटाइना भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मल बीपी की दवा लेंगे, आपका ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, इसको आप लीजिए R85। मैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं मेडिसिन, वहां से रॉयल फिया सरपेंटाइना भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपको सभी डिसीजेस की होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जिसे आपको बहुत फ़ायदा होगा लेने से, और मेरे चैनल रेगुलरली आप देखा करिए प्लीज़, और आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।